अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखबीर सिंह शोकंद है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेट 20। इससे पहले मैं 19 सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1 से लेके 19 तक जो मैंने सेट डाले हैं, अपलोड किए हैं, उनको भी आप जरूर देखें ताकि उनका भी फायदा आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारे एम्प्टी मेथड से, यानी कि माइंड ट्रिक मेथड से। सबसे पहला वर्ड देखिए क्या है। सबसे पहला वर्ड है डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं, डी आई नहीं है, यहाँ पे डी ई है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा स्पेलिंग का। इसका मतलब हो जाता है ओनर, रेस्पेक्ट, यानी मान सम्मान। देखिए इस पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए। जापानीज बिजनेसमैन बो टू ईच अदर एज अ साइन ऑफ डिफरेंस। ये होता है डिफरेंस, डी ई। तो यहाँ पे ये भी सम्मान दिखा रहा है इसको, यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो गया, रेस्पेक्ट हो गया। तो डी ई का मतलब हम पता होता है कि नोट होता है, और फिर हम ले रहे हैं डिफरेंस। इसको ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस जैसा भी लगता है, तो जिसमें डिफरेंस ना हो तो वो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में, तीन के बीच में, चार के बीच में कोई किसी भी तरह का मतभेद ही नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति कैसा है जिसका सम्मान होना चाहिए, जिसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आगे देखिए डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है कंडम, क्रिटिसाइज करना या डिक्राई करना, ठीक है। तो इसके लिए जो पिक्चर मैंने लिया वो है ये, देखिए कैसे डिनाउंस। अनाउंस बैड थिंग्स, अगर आप करते हो अनाउंस कैसी चीजें, खराब चीजें, तो वो कहलाएगा आपका डिनाउंस। इसको रिपीट कीजिए और ये हो जाएगा अनाउंस बैड थिंग्स डिनाउंस। अगर इफ यू अनाउंस बैड थिंग्स वो क्या हो जाएगा, डिनाउंस। तो दे दनादन आप कैसी चीजें अनाउंस किए जा रहे हैं जो सही नहीं है, तो उसको सब क्या करेंगे, कंडम करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, टिकराई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिस्पिकेबल। इसका मतलब होता है वाइल। वाइल को कैसे याद रख सकते हो आप, ई को आगे कर दें तो ये बन जाता है इविल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है नेगेटिव आपका। कॉन्टेम्पटेबल, मीन, वर्थलेस, रैच्ड, अनप्लीजेंट। अगर आपने ये मूवी देखी हो, बहुत ही जबरदस्त मूवी है ये डिस्पिकेबल मी। इसके ये थर्ड पार्ट की मैंने पिक्चर ली है, इससे पहले दो मूवीज हो रहे हैं इसकी, डिस्पिकेबल मी 1, 2 और ये थर्ड है। तो इसमें ये जो पर्सन होता है ये कैसा होता है, मीन होता है, रैश्ड होता है, अनप्लीजेंट होता है, कॉन्टेम्पिटेबल होता है और ये इविल बहुत होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिए डी स्पीकेबल, यानी जिसके बारे में स्पीक करते हुए भी हम क्या करें, हेजिटेट करें, डरें, तो वो कैसा आदमी होगा, डिस्पिकेबल। आगे देखिए डिटेंटे। इसका मतलब द ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन नेशंस। जैसे इसके लिए मैंने पिक्चर लिया ये, ठीक है, ए पॉलिसी टू डिक्रीजिंग कोल्ड वार टेंशन, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, तो ये क्या कहलाएगा, डिटेंटे, ठीक है। तो ऐसी चीज जिससे क्या हो कि दो देशों के बीच में जो टेंशन है वो कम हो जाए। तो देखिए डीई, इसको यहां पर पढ़िए दा की तरह, दी दी पढ़ लेते ना दा को, दी टेंट। अब टेंट किस लिए होता है, हम लोग मान लीजिए कहीं पर गए तो वहां पर हमने क्या बनाया, टेंट बनाया। तो टेंट हम क्या करते हैं, टेंट में हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंट क्या करता है, टेंशन जो हो रही होती है हमें, जो प्रॉब्लम हो रही होती है उसको क्या करता है, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो ये भी क्या करता है, यहां पर देखो टेंशन दो नेशंस के बीच में ईज करना हो क्या कहलाता है, डिटेंटे कहलाता है। तो अगर हम द टेंट लगाते हैं तो उससे भी क्या करते हैं, टेंशन को ईज करते हैं, और डिटेंटे भी क्या करता है, दो देशों के बीच में टेंशन को ईज करता है। डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब होता है डिस्करेजमेंट फ्रॉम एक्शन, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट। तो यहां पर आप काली बिल्ली देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब अगर काली बिल्ली आप कहीं जा रहे थे, रास्ता काट गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उसने आपको डिस्करेजमेंट कर दिया कि आगे ना बढ़े, ठीक है, उसने हिंड्रेंस प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं काली बिल्ली, इसका ट्रेडमार्क हो जाएगा जैसे। तो डी ई को अलग कर दीजिए, तेरा रेंट। मान लो कोई व्यक्ति है बेचारे की इनकम कम है, बन ठन के कहीं जा रहा था और उसी टाइम मकान मालिक टोक देता उसको, ओ बोला दे तेरा रेंट,
तो इस तरीके की चीजें क्या करती हैं, डिस्करेजमेंट करती है फ्रॉम एक्शन, यानी वो जा रहा था अब उसको जाने नहीं दे रहा, वो बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा जब तक किराया नहीं दोगे। तो ऐसी चीजें क्या करती है, डिटरेंट, ठीक है, दे तेरा रेंट, ऐसी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो आप क्या कर रहे हो, किसी को डिस्करेजमेंट कर रहे हो, उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हो कि आगे नहीं जाने दूंगा जब तक तू नहीं देता तेरा रेंट, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। डिटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राई टू प्रिवेंट, डिस्करेज, ठीक है, ये भी देखो कितना मिलता जुलता शब्द है, DETER तो था ही इसमें, तो यहीं से मान के चलिए कि एक जैसे वर्ड है, ट्राई टू प्रिवेंट डिस्करेज, तो डिटर्जेंट, ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या करता है आपका, डिटर्जेंट क्या करता है कि वो प्रिवेंट करता है, डिस्करेज करता है कि जो दाग धब्बे हैं, मैल है, उनको क्या कर देता है, डिस्करेजमेंट प्रोवाइड करता है, उनको निकाल देता है, उनको साफ कर देता है, उनको प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिए इसको, डिटर जेंट, इसमें जेंट ऐड कर दो और आप मीनिंग तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे ये पिक्चर देखिए, यहां पर ये डॉग है, इसके सामने देखो जूता पड़ा हुआ, तो सीधी सी बात है इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, और जूते को खाने वाला या फिर काटने वाला या खराब करने वाला, लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या करे, नहीं 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 ऐसा नहीं करना। मान लो इस कुत्ते का नाम टोमी है, तो ये मकान, इसका जो मालिक है वो क्या कहना चाह रहा है कि नहीं टोमी ऐसे नहीं करना बेटा, ये देखो ये देखो इधर क्या है, तो इसको लालच दे रहा है कि वहां से ध्यान हटा दे ताकि वो जूता बच जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिवेंट करना किसी चीज को करने से, या फिर डिस्करेज करना कि नहीं वो नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। अब मूव करते हैं रूट वर्ड मेथड पे। रूट वर्ड मेथड में देखिए हमारे पास आज क्या है, मोर्ट या नेका, इन दोनों का मतलब क्या होता है, डेथ होता है। तो देखिए पहला वर्ड अमोर्ट, विदाउट लाइफ, तो इसमें लाइफ नहीं है। इमोर्टलिटी, एक्सेप्शन फ्रॉम डेथ, मोर्टल सब्जेक्ट टू डेथ, मोर्टिफिक डेडली, मोर्टुअरी फर्नल्स, पोस्टमोर्टम डन आफ्टर डेथ, नेक्रोग्राफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेथ, नेक्रोलॉजी स्टडी ऑफ डेड बॉडी, नेक्रोमेनिया अट्रैक्शन ऑफ टू डेथ, नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेथ, नेक्रोपोलिस एसिमेट्री। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इन दोनों का ही मतलब क्या है, आपका डेथ है। तो बहुत आसान हो जाएगा पेपर में अगर आप ये दोनों चीजें याद रख पाए। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि मोर्ट और नेक, NECR, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है डेथ। अब मूव करते हैं एडियम्स की तरफ। तो देखिए पहला एडियम क्या है, ऑन वंस गार्ड, इसका मतलब क्या होगा, गार्ड हमेशा पता ही हमें कि भाई वो वॉच करने के लिए होता है, देखभाल करने के लिए होता है, तो विजिलेंट, ठीक है, सावधान। नेक्स्ट देखिए, ऑन वंस लास्ट लेग्स, क्लोज टू कोलैप्सिंग, खत्म होने की स्थिति में होना, ठीक है, ऑन वन लास्ट लेग, भाई लास्ट लेग्स पे है तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल खत्म होने वाला है। वो बोलते हैं ना भाई इसके तो पैर बोला कब्र में लटक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी सिचुएशन जो है वो नाजुक है और वो खत्म ही होने वाला है लगभग, ठीक है। वंस फॉर ऑल, फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, वंस फॉर ऑल हम तब इस्तेमाल करते हैं, हमेशा के लिए काम खत्म होने वाला होता जब। नेक्स्ट देखिए, ओपन क्वेश्चन, ए क्वेश्चन विथ मैनी आंसर्स, सवाल जिसके एक से अधिक उत्तर हो, तो ओपन है तो सीधी सी बात है एक से ज्यादा हो ही सकता है, ठीक है, खुला है भाई, ऐसा क्वेश्चन है जिसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जिसके कई आंसर हो सकते हैं। पाल्मी डेज, नाइस एंड पीसफुल डेज, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन, ठीक है, पाल्मी डेज, इसको ऐसे कर दो बाल्मी डेज कर लो। हमने पढ़ा था कि बाम जो होता है BALM, वो कहता प्लीजेंट एंड सॉफ्ट, तो देखो प्लीजेंट एंड सॉफ्ट, अगर प्लीजेंट है तो वही प्लीजेंट डेज हो गया, ठीक है, पीसफुल हो गया, इससे आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। पेंडोरास बॉक्स, ए सोर्स ऑफ ट्रबल्स, हमने ये स्टोरी हुआ करती थी पेंडोरा बॉक्स की, एक बॉक्स था उसमें उसको खोला गया तो बहुत सारी बीमारियां ये वो आ गए, ठीक है, तो पेंडोरास बॉक्स क्या था, ट्रबल्स का सोर्स था उस मूवी, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, यानी कि मास्टर, देखो मास्टरी है किसी के ऊपर और वो पहले से ही है, ऐसे याद रखना इसको, कोई आदमी किसी फील्ड में मास्टर और बहुत पहले से है तो इसका मतलब वो एक्सपर्ट हो गया उस चीज में, भाई उसने बहुत टाइम दे दिया उस चीज को। आगे देखिए, पे द पीपल टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, खर्च वहन करना, इसका मतलब हो जाता है खर्च वहन करना। पे थ्रू हिज नोज टू पे डियरली, ठीक है, अत्यधिक खर्च वहन करना, भाई उसको इतना पे करना पड़ा कि
कि नाक तक के सवाल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, उसका बहुत ज्यादा ही खर्च वहन करना पड़ गया। प्ले डक्स एंड ड्रेग्स टू वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद करना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसे वेस्ट करना। पिक ऑफ, इसका मतलब है रिमूव या फिर हटाना। पॉइजन समवंस ईयर्स, देखो पॉइजन कर रहे हो किसको, कर रहे हो किसी कानों कर रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप बोल रहे हो किसी के खिलाफ, यानी कान भरना। पोट लक डिनर, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, तो पोट लक डिनर, इस तरह का जो डिनर होता है जहां पर हर आदमी जो भी आएगा कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएगा, तो वहां पर क्या होता है, पोट लक डिनर बोलते हैं उसको। पिन मनी, पिन मनी होता है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, कितनी, देखो पिन पिन बहुत ही मतलब पतली सी होती है, छोटी, मतलब उसकी जो नोक होती है वो पतली, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। पुल नो पंचेस स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है भाई, पुल कर रहा कोई भी पंचेस नहीं, ठीक है, नो पंचेस का मतलब क्या हो गया भाई, पोलाइटली बोलेगा, सीधी सी बात है, कोई पंच वंच नहीं मार रहा बेचारा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो जगह लिखकर मुझे भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर, माय हैंड रिटन नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप प्लीज लाइक करना और शेयर करना ना भूले मेरे वीडियोस को, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका फायदा आपको मिल सके। शुक्रिया दोस्तों।